मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, प्यारे साथियों, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर ज़िमनन बात आई थी एक तकलीर दी हुज़ैन बनिया कि इस तकलीर के मौजू किसी अच्छे अंदाज के नाल बयान करिए ताकि ये मसला अच्छी तरह वाज़े तौर पर सानू समझ आ जाए। जमात अहले हदीस तकलीर नहीं करती, ये मुकल्लद नहीं, इंदियां बड़िया सारिया वजूहात ने, उन्होंने मुख्तसर अंदाज के अंदर मैं बयान करांगा। होशियार होके बेदार होके मसले को सुनना है, समझना है कि असी तकलीर क्यों नहीं करते, असी मुकल्लद क्यों नहीं कहलाते। ऐ चीज अज मैं समझाना चाहना, असी मुती हां जनाब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे, असी मुत्तबे सुन्नत हां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दी इत्तेबा करने आ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे चलने आ, असी मुत्तबे भी हां, असी मुती भी हां, किन्ना दे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आतात इत्तेबा, ये असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करने हां, फरमा बरदार हां उन्हां दे। अल्लाहु अकबर, यही साडा दीन है, यही साडा मजहब है, यही साडा अकीदा है। जेड़ा पैगंबर दे फरामीन नू ना मन्ने, पैगंबर दी चाल उतार ढाल दे मुताबिक अपनी चाल उतार रफ्तार ना बनाए, वो नबी अलैहिस्सलाम दे नाल लखां दावे कर लवे, उन्हां दाव्यां दा कोई असर नहीं, खुदा दे हां कोई मुकाम नहीं। ओ ही बंदा कामयाब ते कामरान है जेड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे भी लगता है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे भी चलता है। जेड़ा बंदा दावा करता है सिर्फ इत्तेबा दा, दावा करता है सिर्फ इत्तेबा दा, अताअत दा, कि असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे लग गए, असी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मन लिया, कलमा पढ़ता है, जबान दे नाल इकरार करता है, लेकिन उसका वजूद उस ते अमलन साबित नहीं करता। उस अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मुनाफका के अंदरों शुमार किया जाएगा, क्योंकि जदों मुनाफक आते सी अल्लाह का कुरान बयान करता है कि वह आके नबी का कलमा पढ़ते सी, कहते सी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, वो इस चीज का इकरार करते सन, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया ऐ पैगंबर, ये जेड़े तेरे कोल आके तेरा कलमा पढ़ने वाले ना, ते तेरे पीछे नहीं चलते, तेरी पैर भी नहीं करते, तेरी इत्तिबा नहीं करते, जबानी इकरार जरूर करते ने, इन्हां नूं मोमना दी साफ दे अंदर शुमार ना कर, इन्हां नूं मुनाफका दी साफ दे अंदर शुमार कर, क्योंकि इसका तेरे नाल प्यार उतो उतो है। जबान दे नाल इकरार करिए, कलमा पढ़िए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, ते दिल उसकी करे तस्दीक, जबान तो करिए इकरार, दिल करे उसकी तस्दीक, ते अमल साडा उस तरह हो जाए जिस तरह साडे पैगंबर का अमल थी, फिर असी पक्के मोमन हाँ, फिर असी पक्के मुसलमान हाँ। जबान नो इकरार कीता, दिल ने तस्दीक ना कीती, अमल असी ओवे ना कीता जिवे साडे पैगंबर ने सी, फिर समझ लो कि फोका दावा ही है, किते असी उन्हां मुनाफकां दी साफ विच ना आ जाइए जिन्हां दा नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने अशारा फरमा दिता कि उतो उतो ही बोलते ने, तेरे पिछे नहीं चलते, तेरी अदात नहीं करते, तेरे मगर नहीं लगते, ये तो जुबानी तेरा कलमा ही पढ़ते ने, इन्हां दे दिल दे अंदर तेरी मुहब्बत नहीं, इन्हां दी चाल रफ्तार रफ्तार तेरे तरह की नहीं, इस वास्ते मैं इन्हां नूं मोमना दी साबित शुमार ही नहीं करता। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये कलमा पढ़ लिया पैगंबर का, सिर्फ दिलों पढ़िए, दिल उसकी तस्दीक करे, दिल के अंदर साडे पैगंबर की पूरी मुहब्बत होए, सिर्फ दावा ही ना हो कि असी पैगंबर के नाल मुहब्बत करने आ, दिल के अंदर पूरी मुहब्बत होए, ते फिर अमल उससे साबित करने, नमाजा असी पढ़िए, रोजे असी रखिए, ज़कात असी देइए, सदका खैरात करिए, वड्डे छोटे का अदब लिया।